सो बेसिकली इस प्रोग्राम में मैं करना क्या है, यूजर एक वैल्यू देगा, हमें उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लेते हैं यूजर ने हमें दिया 5, तो 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा 5 ही होती है। बट अगर हमें कोई यूजर एक नेगेटिव नंबर दे दे, मान लेते हैं यूजर ने हमें दिया -5, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, हमें इसका नेगेटिव साइन हटाना होगा, तो नेगेटिव साइन हटा के जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5। ऐसी अगर दे दे यूज़र -10, तो -10 की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 10। ठीक है, ये करना है हमें। तो इसके लिए एक प्रोग्राम लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक हेडर फाइल लगाएंगे #include stdio.h। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद एक मेन फंक्शन मेन। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक नंबर वेरिएबल चाहिए जिसमें यूज़र हमें नंबर देगा। तो एक इंटीजर ले लेते हैं नंबर, यूज़र से लेना है तो लिखेंगे यहाँ पे printf enter the number /n लगा देंगे। उसके बाद scanf करेंगे, percentile d लिखेंगे क्योंकि हमने जो नंबर लिया है वो लिया है इंटीजर, और यहाँ पे लिख देंगे नंबर। अब हमारे पास यूज़र से नंबर आ गया। अब हमें किस कंडीशन के लिए चेक करना है, जब वैल्यू नेगेटिव हो, क्योंकि पॉजिटिव के लिए तो वही रिजल्ट आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर नेगेटिव नंबर आए तो यहाँ लिख लेते हैं कि इफ नंबर इज लेस देन 0, नेगेटिव नंबर, तो क्या करना है, हमें इसका माइनस साइन हटाना है। तो हम क्या करेंगे, नंबर में नंबर इज इक्वल्स टू नंबर को ही मल्टीप्लाई बाय -1 कर देंगे। इससे होगा क्या, सबसे पहले -5 आया, मल्टीप्लाई विद -1 करेंगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये आ जाएगी वैल्यू 5। तो हम क्या कर रहे हैं, नंबर में मल्टीप्लाई करके -1 और नंबर में वापस डाल रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद इसको प्रिंट करना है, तो प्रिंट एफ एब्सोल्यूट वैल्यू इज परसेंटाइल डी, और यहाँ पे लिख देंगे नंबर, और लास्ट में लिख देंगे रिटर्न 0। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं कि ये रन कैसे हो रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेते हैं यूज़र ने हमें दिया 5, तो 5 के लिए क्या होगा, ये वाली कंडीशन, इफ वाली कंडीशन चेक होगी कि 5 इज़ लेस देन 0, नहीं है तो ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी पूरी। उसके बाद क्या होगा, ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट चलेगी और 5 ही प्रिंट हो जाएगा। अब मान लेते हैं यूज़र ने दिया था हमें यहाँ पे -5, तो अगर यूज़र -5 देगा तो वो नंबर लेस देन 0 तो है, तो क्या होगा, -5 मल्टीप्लाई विद -1, तो नंबर में क्या आ जाएगा, 5, देन वो प्रिंट हो जाएगा। इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये कह रहा है एंटर द नंबर, तो ले लेते हैं सबसे पहले -5, तो -5 एंटर किया, एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई 5। अब हम चला के देखते हैं कोई पॉजिटिव नंबर लिखें, तो पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव ही नंबर आना चाहिए, मतलब 5 एंटर किया तो 5 ही आ गया। ठीक है, -10 के लिए ले लेते हैं, यहाँ पे एंटर किया -10, एंटर किया तो आया एब्सोल्यूट वैल्यू इज 10। तो यही एक छोटा सा प्रोग्राम था किसी भी नंबर को एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट करने का।